साल की बात करते हैं, 2024 की बात करते हैं, दो प्रीमियम कंपनियों ने अपने पोर्टफोलियो में एक एक गाड़ी इंट्रोड्यूस की। दोनों कंपनियां टॉप 5 लिस्ट में आती है ईवी सेल्स रिपोर्ट में। एक है बजाज चेतक और दूसरी है एथर एनर्जी। वेल, बजाज ने इस साल 2024 में 2901 को इंट्रोड्यूस किया और उसका तहलका मचा दिया पूरे मार्केट में। इतनी ज्यादा डिमांड है इस गाड़ी की अभी के टाइम में, क्या ही बोले। वही एथर कंपनी ने अपने फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी दैट इज एथर की रिश्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर को इंट्रोड्यूस किया इसी साल मार्केट में। दोनों गाड़ियों की जो बेस मॉडल सबसे सस्ता मॉडल की बात करते हैं तो चेतक का आता है 2901 जिसकी प्राइसिंग है 95,998 रुपीज। वही एथर की बात करते हैं तो यहाँ पे 1,09,999 की पड़ती है रिश्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर सबसे बेस मॉडल जिसमें 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी पैक दी गई है। अब यहाँ पे आता है कि दोनों गाड़ियों में से कौन सी हमें लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों गाड़ियों की जो प्राइसिंग में डिफरेंस है वो 15,000 का डिफरेंस है, तो फिर कौन सा लेना चाहिए सबसे बड़ा सवाल है, विच वन शुड यू बाय। अब दोनों गाड़ियों की जो आफ्टर सेल सर्विस है वो बहुत अच्छी है, दोनों गाड़ियों की फिट एंड फिनिश अच्छी है, दोनों की क्वालिटीज काफी अच्छी है, तो इसी कारण से कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है जाए तो जाए किसे। डिजाइन की बात करते हैं तो बजाज चेतक का जो डिजाइन है वो एक रेट्रो स्टाइल का है, क्लासिक स्टाइल है। जैसे 80s में हम लोगों ने बजाज चेतक देखा है ना, वैसे डिजाइन उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल में पूरा का पूरा ट्राई किया कि हाँ थोड़ी तो झलक दिखे। तो यहाँ पे जो गाड़ी है वो राउंड हेडलाइट के साथ आती है, सिंगल साइडेड फ्रंट सस्पेंशन के साथ आती है, जो हमने बजाज चेतक 80s में देखा था वैसे ही कुछ पूरा सिस्टम यहाँ पे इन्होंने चेतक में इंट्रोड्यूस किया। अब ये गाड़ी लुक वाइज तो भाई काफी लोग को लुभा जाएगी, बट हर किसी का टेस्ट बजाज चेतक जैसा नहीं होता है। वैसे अगर आपका टेस्ट थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी के ऊपर है तो फिर एथर की रिश्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए सही होने वाली है। इसका जो डिजाइन है वो रेगुलर एथर 450 सीरीज जैसा नहीं है, रिश्ता का एकदम ही अलग बनाया है, पोर्टफोलियो से टोटली अलग किया गया। यहाँ पे डिजाइन बहुत मिनिमलिस्टिक रखा है, ऐसा रखा गया है कि एक फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी जैसी दिखनी चाहिए वैसा कुछ रखा गया है। सीट काफी लंबी दी गई है और काफी कंफर्टेबल सीट है, और इवन अंडर सीट स्टोरेज भी काफी अच्छा है और मॉडर्न डिजाइन के साथ भी आती है, फ्रंट में डुअल सस्पेंशन, रियर में सिंगल सस्पेंशन। तो लुक वाइज ये गाड़ी भी बुरी नहीं है, बट ये डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस कैसी है, उस पर पूरा डिपेंड करता है। अगर मेरी बात करें तो मुझे रिश्ता की इलेक्ट्रिक स्कूटर मेरे को बहुत पसंद है, बट अगर फिट एंड फिनिश की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, देन बजाज चेतक तो दिल जीत लेता है। नेक्स्ट आता है बैटरी, मोटर और रेंज। तो यहाँ पे जो मोटर है दोनों गाड़ियों में डिफर तो है, क्योंकि यहाँ पे आपको बजाज चेतक में 4 किलोवाट का मैक्सिमम पावर आउटपुट देखने को मिलता है, वही आपको एथर रिश्ता में 4.8 किलोवाट का मैक्सिमम पावर आउटपुट मिलता है। दोनों गाड़ी की जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 123 किलोमीटर है, इक्वली है। आईडीसी रेंज की बात कर रहा हूं तो आपको इक्वली आपको रेंज मिलने वाला है दोनों गाड़ियों में। इवन बैटरी पैक की बात करते हैं तो बजाज चेतक में 2.8 किलोवाट आवर की बैटरी पैक दी गई है, वही रिश्ता में 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी पैक दी गई है, तो बैटरी में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। टॉप स्पीड डिफरेंस जरूर देखने मिलता है क्योंकि पावर आउटपुट में डिफरेंस है, तो बजाज चेतक में आपको 63 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है, वही एथर की रिश्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर में 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। चार्जिंग टाइम जहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना जरूरी है, आजकल बहुत कम लोग ध्यान देते हैं बट देना जरूरी है। लाइक अगर बजाज चेतक लेते तो 6 घंटे में आपकी गाड़ी की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, वही रिश्ता की इलेक्ट्रिक स्कूटर को फुल चार्ज होने में 8.3 आवर्स लगते हैं। एक गाड़ी में आपको मिलता है साइड माउंटेड मोटर्स दैट इज बजाज चेतक, और वही एथर में मिलता है आपको मिड ड्राइव मोटर, एक में आपको मिलता है बेल ड्राइव सिस्टम और एक में आपको मिलता है गियरिंग सिस्टम। अगर बेल ड्राइव वाला सिस्टम नहीं चाहिए तो फिर बजाज चेतक बहुत सही है। अब बेल ड्राइव वाले में एक चीज बता देता हूं कि अगर आप ज्यादा साफ सफाई नहीं रखते गाड़ी की तो फिर एक समय के बाद बेल्ट खराब हो जाता है, फिर बेल्ट खराब होने के बाद आपको क्या है बार बार रिप्लेस कराना पड़ता है और उसकी कॉस्टिंग काफी ज्यादा पड़ती है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। वैसे बेल ड्राइव सिस्टम लंबा चल जाता है बट ज्यादा लंबा भी नहीं चलता, एक समय के बाद उसको चेंज करना पड़ता है, बट चेतक के सिस्टम में ऐसा नहीं है, तो इसलिए चेतक की गाड़ी लंबे समय तक के लिए बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट इज द ब्रेकिंग ड्यूटी एंड सस्पेंशन। ऑब्वियसली बात है यार, इसकी बात करना भी बहुत जरूरी है। दोनों गाड़ियों में आपको CBS मिलता है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलता है, लेकिन चेतक में आपको मिलता है फ्रंट में सिंगल साइडेड सस्पेंशन और रियर में भी सिंगल साइडेड सस्पेंशन मिलता है। वही एथर में मिलता है फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। दोनों ही गाड़ी में आपको 12-12 इंच के व्हील्स मिलते हैं, लेकिन चेतक में आपको मिलता है 90x90 का सेक्शन फ्रंट में और 90x100 का रियर सेक्शन का टायर है। एंड वही एथर की बात करते हो 90x90 सेक्शन का फ्रंट टायर है बट रियर एंड है 100x80 का। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेडियल है आपको एथर की गाड़ी में। और हाँ, ब्रेकिंग ड्यूटी की बात करते हैं तो बजाज चेतक में मिलता है आपको ड्रम ब्रेक सिस्टम, लेकिन वही एथर में आपको मिलता है फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक। तो देखो, कुछ कुछ जगह पे बजाज चेतक बहुत अच्छा हो जा रहा है और कुछ कुछ जगह पे एथर कुछ बेटर हो जा रहा है। अब आती है फीचर्स की, जहां पे कहानी पलट जाती है। अब चेतक में आपको बहुत बेसिक फीचर्स मिलते हैं 95,998 में, क्योंकि यहाँ पे आपको ना रिवर्स मोड मिलता है ना स्पोर्ट्स मोड मिलता है, कुछ नहीं मिलता। आपको इको मोड मिलेगा
सिंपल डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन मिलेगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बट वही आपको एथर रिश्ता में सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बट उसमें भी काफी फीचर्स अभी भी नहीं है। हालांकि इसमें दो मोड मिल जाते हैं, स्मार्ट एंड स्मार्ट इको, रीजन ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, बट उसके लिए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स है जिसको एनेबल करने के लिए आपको एक प्रो पैक लेना पड़ता है, सेम विद बजाज चेतक। अगर आप 3000 रुपए का प्रो पैक लेते तो यहाँ पे रिवर्स मोड आ जाता है, इको के साथ स्पोर्ट्स मोड आ जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ जाती है, एंड काफी कुछ चीजें और ऐड हो जाती है। तो अगर आप 3000 रुपए दे सकते हैं तो फिर बजाज चेतक में आपको और सारे फीचर्स मिल जाएंगे। वही एथर में अगर आप लगभग 9-9.5 हजार आप ऐड करते हैं तो आपको भी और बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर गाड़ी लेने की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है पैसा सबसे पहले, कि आप क्या ईथर तक प्राइस एक्सटेंड करना चाहते हैं या फिर अंडर 1 लाख एक्स शोरूम प्राइस में कोई गाड़ी लेना चाहते हैं। तो प्राइस एक फैक्टर आ जाता है और डिजाइन एक फैक्टर आ जाता है। बाकी अगर देखोगे तो लगभग दोनों गाड़ियों में चीजें सेम देखने को मिलती है, लेकिन कुछ प्लस पॉइंट बजाज चेतक में भी है। जैसे यहाँ पे आपको मिलता है मस्त एक मेटल बॉडी मिलती है, बैटरी काफी अच्छी मिलती है, साइड माउंटेड मोटर मिलता है और बेल ड्राइव सिस्टम नहीं है, गियरिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे मेंटेनेंस भी थोड़ा सा कम हो जाता है। वही एथर के प्लस पॉइंट की बात करते तो ये मॉडर्न डिजाइन के साथ आती है, अंडर सीट स्टोरेज काफी अच्छा है, सीट का कंफर्ट काफी अच्छा आ जाता है और फैमिली के हिसाब से वो गाड़ी बहुत अच्छी है। तो दोनों गाड़ियों का प्रोस्पेक्टिव अलग है, लेकिन अगर प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो बजाज एक परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है एथर के कंपेयर में, क्योंकि एथर के बहुत सारे फीचर्स आपको प्रो पैक में सही मिलते हैं, बट उसके लिए को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। बजाज चेतक में जो एक्स्ट्रा पे करना है वो सिर्फ और सिर्फ 3000 है, फिर भी वो जस्टिफाइड प्राइस है, 1 लाख के अंदर ही गाड़ी आ रही है। तो यहाँ पे चेतक जीत जाता है, उस प्राइसिंग के हिसाब से जो फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है वो परफेक्ट है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही रखते, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय।